नवरात्रि में किसी भी दिन जब आपको मौका मिले, अवसर मिले, अपने घर पर या अगर मंदिर खुला हो तो मंदिर जाकर माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए। अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद इस श्रृंगार की सामग्री को किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखी होगा। अब ये जानते हैं कि माता का छठवां स्वरूप कौन सा है और माता के छठवें स्वरूप की महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के छठवें दिन नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की उपासना होती है, जिनका नाम है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी चार भुजाएं हैं, उसमें अस्त्र, शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है, शेर है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी, ऐसा माना जाता है। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। अगर विवाह न हो पा रहा हो तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध, बृहस्पति का जो विवाह वाला हिस्सा है, उसका संबंध माँ कात्यायनी से माना जाता है। इस बार माँ कात्यायनी की पूजा 30 मार्च को की जाएगी। अब जानते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। देखिए, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा शुभ होती है, फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग बड़े कमजोर हैं और माँ कात्यायनी की पूजा कोई बालिका करे तो उसकी शादी निश्चित रूप से हो जाती है। अब ये जानते हैं कि कात्यायनी माता का संबंध किस ग्रह से और किस देवी देवता से है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका संबंध भी बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से इनका संबंध होने की वजह से आंशिक संबंध इनका शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी का तेज भी अद्भुत है, संपूर्ण है। माता का संबंध भगवान कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। अब ये जानते हैं कि माता कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी। गोधूलि वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य, पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। माता कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माता को सुगंधित फूल अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और अगर प्रेम संबंधी कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। इसके बाद माता कात्यायनी के समक्ष उनके मंत्रों का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि जिन बालिकाओं की शादी नहीं हो पा रही है वो शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी। गोधूलि वेला में सूर्यास्त के आसपास के समय में पीले वस्त्र धारण करें, माँ कात्यायनी के सामने दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी उन्हें चढ़ाएं और फिर माँ कात्यायनी के मंत्र का जप करें 108 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें।
हल्दी की तीनों गांठ को अपने पास सुरक्षित बनाए रखें।